बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बात करेंगे। एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लॉ ये कहता है कि हर मैटर जो है या पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। दैट्स मीन कि अगर अगर हम एक ऑब्जेक्ट का मैस m1 ले लेते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस m2 ले लेते हैं तो ये जो फोर्स है वो m1 और m2 के प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस r ले लेते हैं जो कि इनके सेंटर टू सेंटर मैस m1 और m2 की जो एक के सेंटर से दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है, जिसको हम नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारे पास अगर ये एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मैसेज वेयर m1 मैस इज द m1 एंड द सेकंड मैस इज द m2 एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, then the gravitational force is the Fg equal to g m1 and m2 over r square। यहाँ से हम देख रहे हैं कि Fg is proportional to the product of m1 and m2। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Fg equal to proportional to m1 and m2। similarly the force between the two masses or matter or object is inversely proportional to the square of the distance where g is the gravitational constant, its value is 6.673 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square। In vector form we can write the force between the two particle where we consider the two particle m1 and m2। Let's say consider F12 is the force that is exerted by the mass m1 on the mass m2। This force can be written as F12 is equal to minus g m1 m2 over r square into r12 unit vector, where r12 is the unit vector that indicating the force F12। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि unit vector जो है वो आपके क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर R12 जो है वो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F12, जो कि हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि R12 की अगर हम डायरेक्शन यहाँ पर शो करें तो ये R12 यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्टेड फ्रॉम मैस M2 टुवर्ड M1। Where minus sign indicates that particle 2, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने डायग्राम इक्वेशन हम देख रहे हैं कि माइनस साइन भी हमारे पास आ रहा है। तो ये माइनस साइन क्या बताता है कि जो पार्टिकल m, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन मटेरियल के केस में या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के केस में कभी ये पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं। हम अगर डायग्राम में भी देखें तो ये F12 और F12 दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं M1 और M2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह हमेशा नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट की जाती है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें F12 is equal to F21, but opposite in direction, again minus sign जो है वो indicate कर रहा है कि F12 और F21 जो है वो magnitude point of view से equal है, लेकिन चूंकि हम F21 को vector form में बात कर रहे हैं और F12 भी जो है वो vector point of view से अगर हम बात करें तो vector form में है, लिहाजा ये दोनों forces जो है magnitude point of view से तो equal है, लेकिन negative sign indicate कर रहा है कि opposite in direction है, जैसे कि diagram में भी हम देख रहे हैं। F12 की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ F12, ये मैं इसको एरो के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। और F12 की जो डायरेक्शन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ
मैं उसको नए सिरे से आपको दिखा देता हूँ कि F12 की जो डायरेक्शन हमारे पास, ये F12 की जो डायरेक्शन है ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ऊपर भी इंडिकेट हुई है। F12 और F21 देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो लिहाजा जो है यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में F21 इक्वल टू माइनस F12 इंडिकेट कर रहा है। The gravitational force is a field force that always exists between the two particles regardless of the medium that separates them. जो gravitational force है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब एग्जिस्ट करती है या पार्टिकल के दरमियान एग्जिस्ट करती है तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वट एवर दे मीडियम बिटवीन देम, उनके दरमियान और कुछ भी मीडियम हो जो उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी उसी मैग्नीट्यूड के साथ। Because the force varies as the inverse square of the distance between the particle, जैसे कि हमने इक्वेशन में देखा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो इंक्रीज करती है विद द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। जो जो डिस्टेंस आपका इंक्रीज करेंगे दो मैसेज के दरमियान, आप ये फिजिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम दो मैसेज को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे उनके दरमियान जितना जिस रेशियो से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वो स्केयर ऑफ द डिस्टेंस टाइम जो है वो आपकी फोर्स है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लिहाजा डिस्टेंस के इंक्रीज करने से आपकी जो फोर्स है मैसेज के दरमियान या पार्टिकल के दरमियान वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी रैपिडली। रैपिडली इसलिए कर रही है कि आर स्केयर है, अगर आर स्केयर ना होता तो ये रैपिडली डिक्रीज ना करती। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बाय अ फाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज से मतलब कोई लिमिटेड साइज का ऑब्जेक्ट हो, स्फेरिकली सिमेट्रिक मास हो, यानी कि उसका मास भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑन अ पार्टिकल आउटसाइड दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके रेंज में हो और उसके ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये फोर्स एज इट इज वैसी ही होगी कि जैसे कि एक पॉइंट मास जो है वो क्या कर रहा हो कि वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हो, फोर्स लगा रहा हो। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो और उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो वो भी क्या हो, सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक से मुराद ये हो कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये ऑब्जेक्ट अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा हो जो कि आउटसाइड हो इसके अंदर मौजूद ना हो, तो जो इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स है वो उसकी फोर्स की नोयत वैसी ही होगी कि अगर इस पार्टिकल के ऊपर कोई एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो जिसका मैच जो है वो उस ऑब्जेक्ट के जो फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में मैच एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ये दोनों कंडीशन में दोनों की जो फोर्सेज है वो एक जैसी होगी। मैं इसको कहीं पर एग्जाम्पल के केस में भी आप डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ, अब यहाँ पर हम ये बात क्लियर कर लेंगे, बाय द अर्थ ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m नियर द अर्थ सरफेस हैज द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद है तो उसके ऊपर जो अर्थ सरफेस अर्थ जो फोर्स लगाती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज g इनटू me, where m is the mass of the earth, where small m is the mass of the object जो कि सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, and re is the distance of the object from the center of the earth, और इसका हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं स्केल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इसी को मैं यूं अब ले लूं कि जो हम बात ऊपर डिस्कस कर रहे थे अर्थ का मैस अगर हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और अर्थ के मैस के बराबर का अगर एक पार्टिकल मैस ले लें जो कि अर्थ के सेंटर में मौजूद हो और उसका डिस्टेंस वही है जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल में जो कि उस पार्टिकल का सेंटर से और जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसके जो मौजूदा साइज है वो अर्थ के साइज के बराबर नहीं है बल्कि एक पिन पॉइंट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो अब भी अगर आर ही होगा तो फोर्स स्टिल यही रहेगी आपके पास जो कि क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर उस सेंटर मास ऑब्जेक्ट का मास अगर मास ऑफ अर्थ के इक्वल हुआ और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका हम बात कर रहे हैं उसका भी मास स्मॉल m के इक्वल होगा तो ये आपके पास जो है इस स्टेटमेंट को जो कि हम दूसरे वाली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो ये स्टेटमेंट यही कहती है कि आपके एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम एक स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर लें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेजरिंग द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हम जी की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वाज मेजर्ड इन एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1731 टू 1810 इन 1978। जी की जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम मेजर की गई थी इन 1798 बाय हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट था जिसकी जो सन पैदाइश है या जो एरा है वो बनता है 1731 टू 1810। तो जो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फीयर्स। आप देख रहे हैं कि ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के मतलब जो है वो दो मैसेज के ऊपर बेस कर रहा है, स्मॉल मैसेज जो कि कनेक्टेड विद अ लाइट वेटेड कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m फिक्स्ड टू एंड ऑफ अ लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड suspended by a fine fiber or a thin metal wire as shown in figure। कि ये जो दोनों दोनों मैसेज हैं इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स कर देते हैं टू एंड ऑफ द लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड। किसी भी ये लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसके एंड्स को हम कनेक्ट कर देंगे और इस लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड को हम क्या करेंगे फ्रॉम द सेंटर बाय अ स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग किसी एक स्ट्रिंग के थ्रू या फाइबर के थ्रू या मेटल वायर के थ्रू क्या करेंगे सस्पेंड कर देंगे। फर्दर मैं इस डायग्राम के साथ ये भी दिखा दूंगा, इस स्ट्रिंग के साथ आप एक मिरर देख रहे हैं, ये मिरर है और ये एक जहाँ से इसको हमने फिक्स किया गया है और मिरर के ऊपर हम एक लेजर लाइट फॉल करवाते हैं और लेजर लाइट के हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो लेट से यहाँ पर हमारे पास कोई स्केल ले लेते हैं और स्केल के ऊपर हम देखते हैं ये इसकी इनिशियल पोजिशन है जिसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। अब फर्दर व्हेन टू लार्ज मास स्फीयर ईच ऑफ मास कैपिटल एम आर प्लेस नियर द स्मॉल वंस द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द स्मॉलर एंड द लार्जर स्फीयर्स कॉज द रॉड्स टू रोटेट एंड ट्विस्ट द वायर सस्पेंशन टू अ न्यू पोजीशन। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, व्हेन टू लार्ज स्फीयर, जब हम क्या करेंगे दो बड़े स्फीयर हर एक का मास क्या हो कैपिटल एम हो उनको हम स्मॉल स्फीयर के करीब लेकर आएंगे, जैसे कि आपने डायग्राम के अंदर भी देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो लार्ज मैसेज है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको हम क्या करेंगे इन स्मॉल मैसेज के जब करीब लेकर आएंगे तो इनके लार्ज मैसेज स्मॉल मैसेज के दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ये जो स्मॉल मैसेज है वो क्या करेंगे लार्ज मैसेज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट इस रॉड के अंदर क्या होगा, एक ट्विस्ट पैदा होगा या एक रोटेशन पैदा होगी। तो ये जो और रोटेशन के बाद क्या होगा कि आपकी जो रॉड है वो एक न्यू इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन में चला जाएगा। द एंगल ऑफ द रोटेशन इज मेजर्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बीम डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर अटैच्ड टू द वर्टिकल सस्पेंशन। अब यहाँ पर जो मैं बात पहले कह रहा था कि हम डिफ्लेक्शन को कैसे मेजर करेंगे, लेट से अब जो है मिरर आपका रोटेट करके एक नई पोजीशन बनाता है और बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आती है, तो यहाँ पर आती है तो ये इसकी फाइनल पोजीशन, मैं इसको कैपिटल एफ कह रहा हूँ और इनिशियल पोजीशन में कह रहा हूँ आई। तो यहाँ से हम क्या नोट कर सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिफ्लेक्शन एंगल जो कि थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, एस बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द स्केल। ये हमारे पास एक पैमाना है, मैं इसको स्केल कह रहा हूँ। इस स्केल का जो मिरर से डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर होगा और जो एस डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, जो मिरर के ऊपर जो लीनियर डिस्टेंस आपके पास शो होगा ये एस डिस्टेंस हम शो करेंगे। जब हमारे पास एस और आर होगा तो हम थीटा डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे। द एक्सपेरिमेंट इज केयरफुली रिपीटेड विद डिफरेंट मैसेज एट वेरियस सेपरेशन। हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं डिफरेंट मैसेज के साथ एट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अ वैल्यू ऑफ फॉर जी, तो ये एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ हमें वैल्यू ऑफ जी बताता है, द रिजल्ट शोज एक्सपेरिमेंटली दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। ना सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट हमें जी की वैल्यू बताता है बल्कि ये भी बताता है कि जो फोर्स है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है, वो अट्रैक्टिव है। और दूसरा ये भी बताता है कि इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये भी बताता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये टू पार्टिकल के दरमियान या मैसेज के दरमियान इनके मास के प्रोडक्ट की इक्वल प्रोपोर्शनल है और ये भी बताता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
और थर्ड पॉइंट भी ये हमें बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशन फोर्स है वो टू पार्टिकल के दरमियान उनके डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है फ्री फॉल एक्सेलरेशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है यानी कि फ्री फॉल कर आता है तो जो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दैट इज एम जी, उसको हम एम जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हम वही ये एक और सिनेरियो की बात करते हैं कि वो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ जो है वो और पार्ट कोई ऑब्जेक्ट जो कि फ्रीली फॉल टुवर्ड दी अर्थ मूव कर रहा है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल होगी दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर ई स्क्वायर। लेट से कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम वाला ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो आर ही होगा। तो और अगर वही ऑब्जेक्ट अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी। लिहाजा ये दोनों ही फोर्सेज जो हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं और इसका मतलब है कि हम इनको इक्वलेट कर सकते हैं दैट इज एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम जो है वो दोनों साइड से क्या होगा कैंसिल होगा क्योंकि स्मॉल एम एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा रहा है तो लिहाजा जी इक्वल टू किसके कहला जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम यहाँ से देखें कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से एट एच हाइट पर कंसिडर करें वो पड़ा हुआ है तो उस पॉइंट पर अगर हम जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन हम एट दैट पॉइंट एफ जी की वैल्यू अगर हम देखें तो एफ जी किसके इक्वल होगा जी एम ई ओवर आर ई आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एच हाइट और वो आर किसके इक्वल होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट पर है। ये अगर हम ले लें अर्थ की सरफेस है यहाँ से उसका डिस्टेंस क्या है एच है तो अब सरफेस से जो आपका अर्थ का उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ वो हमारे पास क्या होगा आर ई है। इस केस में जो है टोटल जो डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट का लेट्स से जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है उसका सरफेस ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस हमारे पास बनता है वो टोटल क्या होगा आर ई प्लस एच होगा। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आएगी एट दैट पॉइंट जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर वेयर आर किसके इक्वल है ये हम डिफाइन कर चुके हैं और अगर एफ जी हम पहले बात कर चुके हैं वो किसके इक्वल होगी हमारे पास एम जी वेयर जी को हम लेंगे जी प्राइम क्योंकि एट जी जो है जी हम उस टाइम लेते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ले रहे होते हैं लेकिन एट सर्टन हाइट जी जो है हम उसको कह रहे हैं जी प्राइम क्योंकि जी से वो डिफरेंट होगी तो जी प्राइम हमारे पास किसके लाएगी यहाँ पर मैथ अगेन दोनों साइड से कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वे जी प्राइम इज द वैल्यू ऑफ द जी एट अ सर्टन हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमारे पास एच हाइट पता हो तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।